फाइनली दैट डेट इज हियर, वो दिन आ चुका है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। एग्जाम हुए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है। तो गाइज ये डॉक्यूमेंट है जिसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। ऑफ कोर्स दिस इज द स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज डिस्क्लोज एडमिशन नोटिस फॉर एमबीए एमएमएस फॉर एकेडमिक ईयर 2021। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन वही है, प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कोर्स यू कैन गो थ्रू इट इन डिटेल। यहाँ पे कुछ मेंशन है, हाउएवर कंसिडरिंग द कोविड-19 आउटब्रेक एंड एट प्रेजेंट सिचुएशन इट इज एसेंशियल टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग एंड अवॉइड द क्राउडिंग ऑफ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इन व्यू ऑफ दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ ई स्क्रूटिनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इज इंट्रोड्यूस्ड बाई दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। द कैंडिडेट शैल ऑनलाइन फिल एंड कन्फर्म दी एप्लीकेशन फॉर्म। फिर उसके बाद मतलब कहने का मतलब है कि ऑफ कोर्स ऑनलाइन सब कुछ होगा। प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन द कैंडिडेट शैल रजिस्टर ऑनलाइन, ऑफ कोर्स रजिस्ट्रेशन वाज एनीवे डन ऑनलाइन। द कैंडिडेट शैल फिल एंड सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपलोड दी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम एनीवे थ्रू द कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। सो वेयर एवर यू आर इट डजंट मैटर, यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ कैंडिडेटचर फॉर एडमिशंस ऑल इंडिया कोटा यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर लद्दाख माइग्रेंट कैंडिडेट्स महाराष्ट्र स्टूडेंट कैंडिडेट्स एनआरआई ओसीआई पीआईओ गल्फ कंट्री या फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। फिर उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन यू हैव टू गो ऑन टू द वेबसाइट www.mahacet.org एज पर स्केड्यूल एंड देन दिस इज हाउ इट गोज। एंड ऑफकोर्स जनरल कैटेगरी रजिस्ट्रेशन फीस is 1000 and for reserve category and for of course NTC, NTD, OBC, other reservations you got 800 rupees. But if you are an NRI, OCI, PIO, FN, uske full form yahan pe mil jayenge aapko guys, that the fee is for 5000 rupees. Online registration, ab now guys, this is the activity schedule. Okay, the first date is 8th of December, as you can see here. Yahan pe main highlight karta hu. And the last date is 13th of December up to 11:59 PM. तो गाइज ऑफ कोर्स टाइम बहुत कम है, 5 ही दिन है, कई लोग बहुत आराम से करते हैं। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू गो अहेड एंड फिल दिस डॉक्यूमेंटेशन एज अर्ली एज पॉसिबल, जैसे कल से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड कॉन्फर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एडमिशन बाय ऑनलाइन मोड, वो ऑनलाइन स्टार्ट होगा बाय महाराष्ट्र। सो ड्यूरिंग ई स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट शुड डू If no error is found, the status of verification and confirmation of the application form shall be available in candidate's login with receipt cum acknowledgement. If error is found, the details of error shall be intimated to the candidates. The moment you fill in the form, you'll get to know what is happening. Please do this. And other details are there. Now guys, application registered after 13th shall be considered only for non-cap seats. So agar aap 13 December ke baad agar register karte ho, to jo cap round ke baad jo seats bach jayenge, uske liye aap consider ho jaoge. Of course, application confirmed by scrutiny center after 14th December shall be considered only for non-cap seats. So make sure that you do this thing as early as possible. And display of the provisional merit list for Maharashtra state 16th December tak ho jayega. तो सबमिशन ऑफ ग्रीवियंस ऑफ एनी, तो सारी डेट्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है गाइस। 20 दिसंबर को फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी और राउंड वन सीट मैट्रिक्स फॉर कैप वन। अब गाइस सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सिर्फ कैप राउंड 2 तक इन्फॉर्म कर रहा है, तो दैट मीन्स इस बार सिर्फ कैप राउंड 2 होगा। ऑफकोर्स ऑल दिस डिटेल इज अवेलेबल ऑन mahacet.org फॉर एनी क्वेरीज। हेल्पलाइन नंबर इज ऑल्सो मेंशनड। आई विल कीप ऑन पोस्टिंग स्टफ इन्फॉर्मेटिव एंड making sure that you guys are always up to date. So make sure that you are with me, and this is how exactly it is. You can always get in touch with me or my team for any query which about any college and whatever is there, and whatever documentations are required, it is mentioned here. I'll be more than happy to assist you. Thank you guys.